Good morning everyone. Today we are starting our next chapter of English grammar, and that is chapter number 13, present tense and past tense. Okay, now in this chapter we will get to know that what is past tense, what are the sentences, what are the words which we use in past tense, and what is present tense and the words and the sentences which we use in present tense. First of all, tenses means time. टाइम एवरीबडी नोज समय. तो टेंसेस जो होते हैं वो कहलाते हैं टाइम. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ठीक, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज़ वेरी सिंपल. पास्ट मीन्स बीता हुआ कल, मीन्स जो कल गुजर चुका है, येस्टरडे. प्रेजेंट मीन्स अभी जो चल रहा है, दैट इज़ प्रेजेंट. एंड फ्यूचर मीन्स आने वाला कल, टुमारो. ओके, नाउ द ब्लू स्ट्रिप सेज टेंसेस मीन्स टाइम. वी यूज़ वर्ब्स इन वेरियस फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टाइम. यहाँ पे लिखा है कि हम वेरियस वर्ब्स यूज़ करते हैं टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, नाउ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसमें कुछ एक सेंटेंसेस दे रखे हैं विद द पिक्चर्स. सो लेट्स सी दैट. पास्ट टेंस, I was a baby. यहाँ पे क्या वर्ब यूज़ किया है? यहाँ पे यूज़ किया है was, और कहा है I was a baby, मैं बेबी था. I did not have teeth, मेरे टीथ नहीं थे. I did not have, have is used for, यहाँ पे have is used for plural, plural means teeth, tooth नहीं है, teeth है. Have is used for tooth, and did not मतलब मेरे teeth नहीं थे. I had a pink pram, मेरा एक pink pram था. यहाँ पे had use किया है past tense के लिए कि मेरे पास एक pink pram था. Present tense में लिखा है I am a little girl, मैं एक little girl हूँ. I am 6 years old, मैं 6 years की हूँ. मतलब right now I am 6 years old. I study in class second, मैं class second में पढ़ती हूँ. Now future tense, I will become a pilot when I grow up. I will is used for future. मतलब मैं pilot बनूँगी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी. I will travel around the world, मैं पूरे शहर में घूमूँगी. I will travel around the world, मतलब जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, I will travel around the world. ओके, नाउ नीचे लिखा है प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं विद द पिक्चर्स. फर्स्ट इज राहुल ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग. राहुल ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग. राहुल सुबह को दूध पीता है. आशिमा स्किप्स रोप एवरी मॉर्निंग. आशिमा रोज सुबह रोप को रोप के साथ स्किप करती है. I read stories every night. मैं हर रोज स्टोरी पढ़ती हूँ. Okay, now in the blue strip downstairs. Now the blue strip down, it is written here. The verbs drinks, skips, read show the action that happened in the present time. They are in the present tense. अब यहाँ पर जो verbs use हुए हैं like drink, skip, read, ये जो verb हैं ये बता रहे हैं कि अभी present में क्या action हो रहा है, तो ये कहलाते हैं present tense. Now here are some examples for the past tense. Example, Roma played tennis last Friday. रोमा ने टेनिस लास्ट फ्राइडे खेला था, प्लेड. येस्टरडे आई बॉट न्यू क्लोथ्स. येस्टरडे मीन्स कल मैंने न्यू क्लोथ्स खरीदे. आई बॉट. वी एट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. हमने सुबह ब्रेकफास्ट खाया था. वी एट, वैसे हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं? आई ईट, पर यहाँ पे लिखा है आई एट. पास्ट टेंस ऑफ ईट इज एट. Okay, now in the blue strip it is written here, the verbs played, bought and ate tell us about the actions that happened sometime in the past. They are in the past tense. It is clearly written here ke jo verbs hain like played, bought,
एट, ये जो वर्ब्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि पास्ट मतलब कल या कल से पहले कुछ हुआ था, समथिंग हैपेंड, सम एक्शंस हैपेंड. ओके, नाउ टू मेक द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब वी ऐड डी और ई डी टू देम. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि मोस्ट मतलब आधे से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पास्ट टेंस होता है उसको हम फॉर्म करते हैं, मतलब जो वर्ब्स होते हैं उसको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली या तो डी लगाते हैं या फिर ई डी लगाते हैं. एग्जाम्पल में दे रखा है रेज, रेज का पास्ट टेंस हो गया रेज्ड. क्या हुआ, सिंपली डी ऐड किया और प्रेजेंट से पास्ट में हो गया. ट्विंकल, ट्विंकल्ड. वॉश, वॉश्ड. यहाँ पे ई डी लगाया है. लुक, लुक्ड. ओके, नाउ दिस वॉज द पास्ट टेंस. अब यहाँ पे टॉप पे एक ब्लू स्ट्रिप है, वहाँ पे कुछ लिखा है, नाउ लेट्स जस्ट रीड दैट. ऑल वर्ब्स डू नॉट चेंज इनटू देयर पास्ट टेंस फ्रॉम फॉर्म बाय एडिंग डी और ईडी. सम वर्ब्स टेक अ स्पेशल फॉर्म व्हेन दे आर यूज्ड इन द पास्ट टेंस. यहाँ पर भी बहुत क्लियरली लिखा है, जैसा कि आई हैव टोल्ड, कि आधे से ज़्यादा या मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ब्स होते हैं उनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए वी ऐड डी और ई डी. बट ऐसे बहुत से वर्ब्स होते हैं जो एक स्पेशल तरीके से, मतलब एक नया स्पेशल वर्ड फॉर्म होता है उनको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए. वैसे ही यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है, तो वी रीड दिस वर्ड्स फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट. ओके, नाउ ब्रिंग, ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट. ईट, एट. कीप, केप्ट. स्लीप, स्लेप्ट. कैच, कॉट. सेंड, सेंट. गेट, गॉट. टेल, टोल्ड. टीच, टॉट. गो, वेंट. स्टैंड, स्टूड. कम, केम. नाउ द नेक्स्ट साइड, मेक, मेड. नो, न्यू. हाइड, हिड. सिट, सैट. बाय, बॉट. लीव, लेफ्ट. मीट, मेट. राइट, रोड. रन, रैन. रिंग, रैंग. टेक, टुक. एंड द लास्ट इज से. से का पास्ट टेंस है सेड. तो ये कुछ फ्यू वर्ड्स हैं जिनको, जिनका जो सिंपल वे है वो सिर्फ डी या ई डी लगाने का नहीं है टू चेंज देम फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, बट इनका एक स्पेशल फॉर्म है टू राइट देयर पास्ट टेंस फॉर्म्स. ओके, नाउ वी हैव रेड दिस पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस वी विल डू सम एक्सरसाइजेस एंड यू हैव टू लर्न ऑल दिस पास्ट टेंस जो इस वाले स्पेशल फॉर्म में जो दे रखे हैं, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए बिकॉज दे कैन कम इन द एग्जाम्स. ओके,